बच्चों, तो आज हम लोग अपने आगे की वीडियो के बारे में और अपने आगे के घातांक के टॉपिक पे के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने कल जो हमारी घात है, चाहे वो आपकी ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसके बारे में देखा था, बॉड मास रूल के बारे में देखा था, और हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी कैलकुलेशन है, जैसे चाहे गुणन हो चाहे विभाजन हो, तो इस तरीके की सारी हम लोगों ने कैलकुलेशन भी देखी थी, और उसमें घातों का किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं या घातों का आपस में जोड़ना घटाना ये कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और उनके सरलतम रूप भी देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, और यदि आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं कर पाई है तो कोई बात नहीं है, आप लोग एक्सरसाइज जो भी छूटी हुई है आपकी, मैं कहता हूँ चाहे वो आपका परिमेय संख्याओं वाला ही क्यों ना हो या फिर घातांक वाला क्यों ना हो, कोई भी आपकी एक्सरसाइज जो भी छूटी हैं उनको आप एक एक करके लगाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि बड़ी और छोटी संख्याओं को घातांक में कैसे लिखना होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक नंबर लेता हूँ, एक संख्या लेता हूँ, उसके आधार पर बताता हूँ कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया संख्या, ले ली मैंने 540। 540 को मैं 54 × 10^1 भी लिख सकता हूँ या 54 × 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यदि 54 × 10 लिखेंगे तो आगे इसको, जैसे मान लीजिए हमें और घातांक में कैसे दिखाना है, क्योंकि एक घात का कोई मतलब नहीं होता, मतलब कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे केवल 10 लिखूँ या 10^1 या 10^1 लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, इसको मैं यदि और भी घातांक की रूप में बदलूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 5.4 × 10^2। वो कैसे, क्योंकि जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो हमारे हर में 10 का गुणा होगा, और यदि हर में 10 का गुणा होगा तो वो 10 का भाग इस 10 में जाएगा, तो ये 100 का आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि 10 हो जाएगा तो यहाँ 54 है ही, तो 540 संख्या वही की वही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप दशमलव यहाँ बढ़ाते रहिए और एक एक स्थान पे, और यहाँ 10 का गुणा करते रहिए। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को बदल सकते हैं। अब यही हम क्या है, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 0.54। ठीक है, इसको हमने पढ़ना भी बताया था कि दशमलव के बाद की संख्या एक करके ही पढ़ी जाती है, इसको हम 0.54 नहीं पढ़ेंगे, इसको 0.54 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 54 × 1/100, क्योंकि हमने बताया था जितने स्थान पे हमारा दशमलव होगा उतने ही जीरो वाली संख्या, या जैसे जीरो वाली संख्या यहाँ पे दूसरे पक्ष में जाएगी, दूसरे पक्ष में मतलब यदि हर में यदि यही संख्या है तो गुणा होगा अंश के तरफ, और यदि अंश में है जैसे कि ये उदाहरण है तो हर में 100 का गुणा होगा। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 54 × 10^-2, या फिर इसका जो पहले का स्टेप ये है कि 54 × 1/10^2, और यहाँ से हम आ गए यहाँ पे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और पहले ये स्टेप और फिर ये स्टेप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका एक प्रैक्टिस वाली इसमें टेबल है, तो प्रैक्टिस करना है उसकी, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा। अब आगे का टॉपिक है हमारा
कि यदि मतलब जैसे और भी बड़ी संख्याएं हों, और भी बड़े हमारे नंबर हों, तो हम उनको कैसे लिखेंगे? उसमें से एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए संख्या है 63,000, ठीक? ये वैसे 5 अंक की संख्या है, ठीक है, 63,000। और ये कंप्यूटराइज भाषा में कहें तो इसको 63,000 है, और जिसमें कि थाउजेंड सेपरेटर भी यूज़ किया हुआ है। ये इस तरीके से थाउजेंड सेपरेटर लगाते हैं ताकि हमें संख्या पढ़ने में आसानी हो जाए। इसी प्रकार से आगे हमारा लैक्स और मिलियन और बिलियन चलता है, ठीक है? तो ये क्या नंबर है आपका? 63,000। तो 63,000 को अभी हम कैसे लिख सकते हैं? 63 × 1,000, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? तो 63 × 1,000 लिख सकते हैं। तो 1,000 को हमने बताया था, क्योंकि शून्य जो है 3 है, इसलिए 10³ भी लिख सकते हैं, जो कि 10³ भी बोलते हैं उसको, 10 का क्यूब, घन, ठीक है? तो ये 63 × 10³ क्या हो गया? 3 हो गया। अब आगे कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमें इसमें दशमलव भी दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 6.3 और 10⁴, ये भी दिखा सकते हैं। इस संख्या को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने जो पुराना उदाहरण दिया था उसमें क्या बताया था कि दशमलव आप यहाँ खिसकाते जाएंगे तो यहाँ 10 का गुणा होता जाएगा, तो यही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए ये तो धनात्मक एक तरीके से घातें हुई, हालांकि ये ऋणात्मक है, लेकिन अब बड़ी संख्या के लिए, ऋणात्मक के लिए कैसे देखेंगे हम? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि मान लीजिए 0.0001, ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या है। किस सेंस में बड़ी है? संख्या बहुत छोटी है। संख्या कैसे छोटी है कि 0.0001, 3 शून्य के बाद 1 है, मतलब चौथाई चौथा अंक है, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे, यदि मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ तो इसको कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 10⁴ भी लिख सकते हैं, या फिर 1 × 10⁴ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो उसका कोई, बस आपकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। उसका जो रिजल्ट है, उसका जो मान है, उसका जो अंश और हर का जो रेशियो है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप इसको किसी भी रूप को रूप बदल के लिख सकते हो। तो अब मैंने यदि 1 × 10⁴ किया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 × 10⁴। क्यों? क्योंकि इसको हम हर से अंश में लेके आए, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें चूंकि एक्सरसाइजें घातांक में बहुत हैं, तो मतलब समझाने के लिए हम उदाहरण के तौर पे ही आपको बता सकते हैं सारी चीजें, ठीक है? तो बाकी आप लोग को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना आप घातों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, चाहे धनात्मक घात हो, चाहे ऋणात्मक घात हो, चाहे वो विभाजन में हो, चाहे वो जोड़ने में हो, किसी भी तरीके से, या तुलना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, ठीक है? अभी इसमें जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और है, जैसे दिया है 7.52 × 10⁴। इसको हमें बदलना है, तो अब हम इसको किस और आसान तरीके से बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए 7.52 है, तो 10⁴ भी लिख दिया हमने, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 7.52, तो फिर 10⁴ × 10⁴।
हमने क्या बताया था, दो स्थान यहाँ से जाएगा तो दो यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 752 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब ये हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि मान लीजिए 752 अपॉन 10 की पावर 4 प्लस 2 जो कि क्या है 752 अपॉन 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो ये कहाँ जाएगा, और जब 10 की पावर 6 को हम अंश में लेके जाएंगे तो वो हमारी घात कौन सी हो जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक घात हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिखा कि हमारा ये नंबर है, क्या नंबर है, 752 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे आधार क्या हो गया, 10 हो गया, किसका, माइनस 6 की घात पे, लेकिन उसके साथ 752 भी मल्टीप्लिकेशन में है, जो कि एक तरीके से वो भी आधार में आ सकता है, क्योंकि इसको हम 752 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को याद होगा कि हमने इसमें क्रम विनिमेय गुण, सहचर गुण, आपका तत्समक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने परिमेय संख्या में, पूर्णांक में, ठीक है, भिन्नों में, इनमें भी देखी थी। तो यही चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या है, एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास है 2 की पावर 38 और 5 की पावर 32, बहुत बड़े नंबर है, चाहे वो 2 की पावर 38 हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हमें कितनी बार करना है, 38 बार करना है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि 2 की पावर 2 गुणे 2 इंटू, अभी ये कितनी बार बचा है, ये से देखो 4 बार हो गया, तो अब ये तो इसको हम 2 की पावर एक मिनट इसको 2 की पावर 34 भी दिखा सकते हैं, फिर ऐसे करके ये चलता गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो इसको भी यदि हम तोड़ेंगे तो ये भी कहाँ तक जाएगा, 4 निकाल दो तो 5 की पावर 28, ये ऐसे 5 स्क्वायर चलता रहेगा। ठीक है ना, तो नंबर बहुत बड़ा है, तो इसको हम जैसे मान लीजिए हमें बदलना है तो हम कैसे बदल सकते हैं, एक और तरीका है कि जैसे मान लीजिए हमने जो कॉमन एक तरीके से निकल सकता है वो क्या है, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 है तो यहाँ क्या हो गया, 32 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 के पावर 32। इसको निकालने का सेंस ये है, या इसको इस तरीके से इसीलिए निकाला गया है क्योंकि इसकी घातें हैं बड़ी, और 5 की पावर में भी क्या है, 32, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या कर लिया, 2 की पावर 32, हमने घातों समान घातों को एक साथ रखने का प्रयास किया यहाँ पे, और चूंकि घातें जुड़ती हैं तो गुणा में ही 2 की पावर 6 भी हमने अलग से ले लिया। आगे कैसे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 32। ये कैसे, दोनों की पावर 32 हैं, तो जब पावर सेम है तो जो आधार होता है उनका भी गुणा हो जाता है, तो यदि हमने ऐसे किया तो अब हम कैसे और लिख सकते हैं कि इंटू 10 की पावर 32। ये संख्या ज़्यादा आसान है, कैसे, कि ये क्या है, इसका यदि 6 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 8 2 दूनी 16 2 दूनी 32, ठीक है, 2 दूनी 64 2 दूनी 128, तो 128 इंटू 10 की पावर 32 हमारी संख्या हो जाएगी। और मान लीजिए यदि हमें इसको और भी छोटा लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1.28 इंटू 10 की पावर, ये यहाँ पे मैंने 2 स्थान बढ़ाया तो यहाँ पे 34 कर दो। ठीक है, ये इसका एक दूसरा भी रूप हो गया, हमारा इसमें दशमलव भी आया
और ये चूंकि 10 की पावर में कोई भी संख्या हैंडल करना इजी होता है, इसलिए इस तरीके से दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज घातांक की यहाँ पे इस तरीके से ख़त्म होती है। और ये ख़त्म इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे नियम आगे सारे यही सब फॉलो होने वाले हैं, नियम अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक्सरसाइज आप लोग को ज़रूर करनी है। और इसके अलावा एक्सरसाइज में ही सारे तरह के नियम अप्लाई हो जाएंगे घातांकों के। ठीक है, तो वो सारे स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये घातांक का चैप्टर भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहें, गर्मियों में भी, गर्मियों की छुट्टी में भी। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो तो उसके या तो वीडियो भेज दीजिए या चैट कर लीजिए या फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये घातांक चैप्टर भी आपका समाप्त होता है यहाँ पे। थैंक यू।